आज 12 अगस्त का दिन हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और मुस्लिम धर्म का बकरीद भी है। एक ओर जहां मंदिरों में ओम नमः शिवाय और शंख का गूंज सुनाई दे रहा है, तो दूसरी ओर मस्जिदों में अजान सुनाई दे रहा है। सावन का आखिरी सोमवार हिंदू धर्म के लोगों के लिए काफी महत्व रखता है। बकरीद भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत भी आज ही पड़ा है। कुल मिलाकर माहौल भक्तिमय रहा। सावन के आखिरी सोमवार के दिन मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा और जलाभिषेक किया गया। वहीं देश भर समेत छत्तीसगढ़ में भी उत्साह के साथ ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी ईदगाह समेत 15 मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई भी दी। बता दें कि ईद उल जुहा को कुर्बानी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। आखिरी सावन सोमवार और बकरीद शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इतिहासन के तौर पर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रखा था, जिससे कोई अनहोनी ना हो। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश जायसवाल।